भाइयों और बहनों, जिन्होंने 70 साल तक गरीब को गरीब बनाए रखा, वो कभी गरीब का भला नहीं सोच सकते। ये वो लोग हैं जो गरीब के नाम पर योजना लाकर उस योजना के पैसे से अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। यही काम इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर किया, आपके पानी के साथ किया, आपकी सिंचाई परियोजनाओं के साथ किया। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर यहां के किसानों को लूटा है। इसी का नतीजा है कि दर्जनों सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक लटकी रही। इन योजनाओं को पूरा करने का बीड़ा आपके इस प्रधान सेवक ने उठाया है। महाराष्ट्र और देश के अनेक हिस्सों में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत लंबे समय से लटकी 99 सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया गया, जिसमें से 26 परियोजनाएं सिर्फ महाराष्ट्र की है। आप सोचिए, देश में जो मैंने खोज के निकाला उसमें 25% महाराष्ट्र की, जबकि महाराष्ट्र के ही कृषि मंत्री बनकर के 10 साल दिल्ली में बैठे थे शरद पवार। यहां लोअर वर्धा सिंचाई परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसी तरह वर्धा में जलयुक्त शिवार अभियान, सैकड़ों गांवों को लाभ होना तय हुआ है। साथियों, हम बहुत ईमानदारी से इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो काम बाकी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें तय समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपकी दिक्कतें और कम हो। साथियों, विदर्भ का सूखा मौसम के साथ ही कांग्रेस के 70 साल के करप्शन की भी देन है। आपका ये चौकीदार इसको हराने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, प्रतिबद्ध है।